गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 रियल इंग्लिश। इन इंग्लिश टुडे वी विल डू लेसन नंबर 5, द ओल्ड गंबी कैट। आई हैव अ गंबी कैट इन माइंड, हर नेम इज जेनी एनी डॉट्स। हर कोट इज ऑफ द टैबी काइंड, विद टाइगर स्ट्राइप्स एंड लिपर्ड स्पॉट्स। All day she sits upon the stair or on the steps or on the mat. She sits and sits and sits and sits. And that's what makes a Gumby cat. Meaning, in lines में है कि जो poet है वह कह रहा है कि उसके imagination में एक Gumby cat है और उसका नाम Jenny Any Dots है। Her coat is of the tabby kind, means coat, means skin, cat की skin. तो skin जो है वह धारीदार है, जैसे tiger में धारियाँ हैं और leopard में spots हैं, वैसे ही इस cat में है, Gumby cat में। All day she sits upon the stair or on the steps or on the mat. सारा दिन वह या तो stairs पे बैठती है अथवा steps पर अथवा मैट पर बैठती है, वह सारा दिन बैठी रहती है। शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स, वह सारा दिन बैठी ही रहती है, बैठती है, बैठती है और बैठती है और बैठती है, सारा दिन मीन्स बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती है सारा दिन। एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गंबी कैट, शायद इसीलिए उसे गंबी कैट कहते हैं, यही बात उसे गंबी कैट बनाती है। बट When the day's hustle and bustle is done, then the Gumby cat's work is but hardly begun. And when all the family is in bed and asleep, she tucks up her skirt to the basement to creep. She is deeply concerned with the ways of the mice, their behaviors not good and their manners not nice. Means, but when the day's hustle and bustle is done, means जब सारा दिन, सारा दिन कैसे लोग बिजी रहते हैं, अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो जब सारा दिन फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है सारा दिन, तब देन द गंबी कैट्स वर्क इज बट हार्डली बिगन, तब गंबी कैट का काम शुरू होता है, तब वह अपना काम शुरू करती है बट हार्डली। एंड व्हेन ऑल द फैमिली इज इन बेड एंड स्लीप, और जब फैमिली के सारे मेम्बर्स बेड में होते हैं और सो जाते हैं, She tucks up her skirt to the basement to creep. तब वह अपनी बॉडी को अप करके, कैसे पोज बना के जैसे कैट्स लोग चलते हैं, वैसे वह अपनी बॉडी को अप करके बेसमेंट में जाती है अपनी। She is deeply concerned with the ways of the mice. वह deeply concerned है, means परेशान है चूहों के लिए, वह deeply परेशान है। Their behavior is not good and their manners not nice. कि चूहों का, उनका चूहों का जो behavior है वह अच्छा नहीं है और उनको manners भी अच्छा नहीं है, वह अच्छे नहीं है, इसलिए वह परेशान है चूहों के प्रति, चूहों के लिए वह worried है।